बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो फील्डिंग करते समय आज शॉर्ट कैचेस या स्लिप में कैचेस मिस कर देते हैं या चोट खा जाते हैं, कभी कभार उनकी फेस पे ही बॉल लग जाती है। तो मैं आज फील्डिंग के कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो भी कवर या स्लिप में फील्डिंग करते हैं। फील्डिंग करते समय सबसे आपके दिमाग में जब आप फील्डिंग करते हो तो रिलैक्स करो। दूसरी चीज, आप बिल्कुल इतना नॉर्मल स्टांस में खड़ा हो कि आपकी बॉडी मूव कर सके, और अपने पाम को सॉफ्ट रखना है। समझ में आया सबको? अपने पाम को सॉफ्ट रखना है, देन आपका बैलेंस जो होता है हल्का सा टोके रहेगा, ठीक है। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हेड रहेगा वो दोनों पैर के बीच में रहेगा ताकि आपके पैर मूव कर सकें इधर उधर, ठीक है। देन आप रिलैक्स रहोगे और हल्का सा नी बैंड रहेगा और ये बैक बैंड रहेगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंट के लिए ये रहेगा, हल्का सा वॉच रहेगा, बॉल की तरफ हमें नजरे रहेंगे, और जब बॉल आता है आपकी तरफ तो आप बॉल को लास्ट टाइम तक वॉच करोगे और रिसीव करोगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बॉल पकड़े जाएंगे, समझ में आया ना? तो ये देखो, रिलैक्स रहो और ये बॉल आ रही है। अब मैंने फेस हटा लिया क्योंकि अगर मैं यूं पकड़ता और फेस नहीं हटा तो यहाँ से निकल भी सकती थी, लग सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टाइल पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो फंबल हुआ ना, अब मैंने यहाँ पे पकड़ा लेकिन मेरा हाथ थोड़ा नीचे था, मोटे पाम पे लगा, अब फंबल हुआ फिर मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम तक में मेरी नजरे जो थी उस पे थी, बॉल पे थी, फंबल होने के बाद भी पकड़ लिया, समझ में आया, ठीक है। रिसीव कर रहा हूँ, समझ में आया सबको? रिपीटिंग पॉइंट,